क्या होता है? वर्तमान। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? अपूर्ण। और टेंस का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे कार्य पूरा भी हो चुका है और पूरा नहीं भी, मतलब पूरा भी नहीं हुआ है और पूरा हो भी चुका है, मतलब ना तो पूरा है और ना ही अधूरा है। ऐसी सिचुएशन बताई है। पहला पार्ट हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, ठीक है ना? यह इसको बोलते हैं असर्टिव। पॉजिटिव का दूसरा नाम असर्टिव भी है ना, असर्टिव नेगेटिव ऐसे। और जो प्रेजेंट सिंपल लिखा है हमने, तो सिंपल को हम अफर्मेटिव बोल सकते हैं, प्रेजेंट अफर्मेटिव। अरे वो समझ में, इनके नाम चेंज हुए हैं। और यहाँ पे जैसे कंटिन्यूस है ना, इस कंटिन्यूस को हम प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव को मतलब होता है यानी कार्य जारी, पूरा नहीं हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पहचानने के लिए यहाँ पे इसकी पहचान लिखी है कि जिन हिंदी वाक्य के अंत में समय से पहले, समय से पहले, कहने का मतलब जैसे कि मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे समय से पहले से रहा है, से रही है, से रहा हूँ, से रहे हैं, आधी शब्द आते हैं, वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं, ठीक है? ये तो होगी इसकी पहचान। प्रेजेंट सिंपल की हम बात करें तो प्रेजेंट सिंपल की पहचान कौन सी थी? ता है, ती है, ते है, ता। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हम बात करें तो रा है, रही है, रहे हैं, रहा, ठीक है? उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात करेंगे तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, आ है, ई है, लिया है, दिया है, ली है, दी है, ठीक है? उसके बाद में हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसकी पहचान हमने देख ली है। इस टेंस के सेंटेंस में एज बीन, एज बीन मतलब क्या होता है? हैव बीन वर्ब। हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? अब has been का प्रयोग कब करेंगे? जब सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या सिंगल नाउन हो या एक वचन संज्ञा हो तो has been का प्रयोग किया जाता है। और यही सब्जेक्ट बार बार चलेंगे, यानी सिंगुलर में कौन कौन से? ही, सी, इट, नेम, ठीक है ना? अब ही एन क्या होता है? वह है। और सी एन ई? वह है। अंतर क्या है? ही किसके लिए है और सी लड़की के लिए, और क्या होता है? वह है सही बोल रही है, इसका मतलब भी वही होता है, लेकिन ये किसके लिए है? निर्जीव वस्तु किसी जानवर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है? अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट हमारा रूल है कि जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लुरल नाउन बहुवचन संज्ञा हो तो एज बी हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। आई क्या होता है? मैं। वी एन क्या होता है? हम, ठीक है? यू एन क्या होता है? तुम या फिर आप, ठीक है? उसके बाद दे एन क्या होता है? वे। प्लुरल का मतलब ना बहुवचन। इस टेंस के सेंटेंस में सिंस फॉर का प्रयोग भी किया जाता है। अब सिंस का प्रयोग कब करना है? पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए, निश्चित समय अवधि के लिए, निश्चित समय के लिए, ठीक है ना? तो निश्चित समय हम बोल सकते हैं, समय अवधि ना लिखेंगे यहाँ पे, निश्चित समय, निश्चित समय, ठीक है ना? निश्चित समय को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में बताया है कि सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस मंडे, सिंस 1997, सिंस 2001, जो भी सन है 2024 से पहले की, सॉरी, हाँ, मतलब सन आगे की हो सकती है, लेकिन सिंस वर्ड होना चाहिए ना, इस
इसका ध्यान रखना है, उसके बाद सिंस वीक, सिंस मंथ, ठीक है, सिंस ईयर, ठीक है, एक्सेट्रा। फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम यानी समयावधि के लिए या समयावधि को दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे फोर टू मंथ्स, टू की जगह थ्री भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है। सिंस हावर भी हो सकता है, सिंस ईयर भी हो सकता है, ईयर थोड़ी ना देखा इसमें, हमने बोला ना मुख्य काफी।